हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी समझने वाले हैं जो कि ओटीसी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है अभी। मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज़ बता दूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। बस आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, तब आपको बहुत सही तरीके से ये स्ट्रेटजी है समझ में आने वाली है। और जो हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था क्वाटेक्स ट्रेडिंग का, जिसके मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, होप कि आपने वो तीनों वीडियोस देख ली होंगी बहुत ही ध्यान से। उसको हम अलग सीरीज में चलाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में जो ये स्ट्रेटजीज हैं इनको भी हम लाते रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी लंबे समय तक काम नहीं करती हैं। जब बहुत सही तरीके से बीच में काम कर रही होती हैं तभी इनका बहुत सही तरीके से यूज़ हो पाता है, उसके बाद ये सही से काम नहीं करती हैं। सो इस वजह से बीच बीच में स्ट्रेटजी कोई नई मिलेगी मुझे तो मैं आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। तो आप उन वीडियोस का ज़रूर से देख लेना। और जो थर्ड पार्ट में हमने टारगेट रखा था कि 700 लाइक्स का एंड 200 कमेंट्स का, जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं हम आपके लिए पार्ट 4 अपलोड कर देंगे कोर्स का। होप कि आप बहुत सही तरीके से कोर्स को सीख रहे हैं कि हम ट्रेडिंग में किस तरीके से बहुत अच्छी एक्यूरेसी अपनी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ओटीसी मार्केट स्पेशली समझेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है। अभी तक ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं स्ट्रेटजी में, वो ओटीसी मार्केट में ज़्यादा सही तरीके से काम करी हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप भी ओटीसी मार्केट पर ही इसको अप्लाई करके देखिएगा, तो बेहतर तरीके से आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि यहाँ पर एक अच्छे मूवमेंट वाला चार्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है कि किस डायरेक्शन में मार्केट का मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड। अब यहाँ पर देखिए, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर लेवल्स लगाएंगे। ऊपर की साइड मैंने एक जो लेवल लगाया वो है रेजिस्टेंस लेवल। ओके, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। एंड यहाँ पर कॉपी करके हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल लगाएंगे। यहाँ यहाँ से मार्केट है वो ऊपर की साइड गई है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो जाता है। अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसके आसपास में ग्रीन कैंडल हो एंड बीच में वो डिफरेंट कैंडल हो। उसमें हमें रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना है। अब किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे कि जो पूरी बॉडी है उसकी, जो एलोन कैंडल की जिसके साइड में दोनों अपोजिट कलर की कैंडल होंगी एंड बीच में बिल्कुल अपोजिट कलर वाली कैंडल होगी। ऐसा ग्रीन कैंडल भी होगी बीच में तो हम उसको भी माइंड में रखेंगे, अगर रेड कैंडल है तो उसको भी हम एक एलोन कैंडल के नाम से जानेंगे। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी कई बार समझाया है, होप कि आपने बहुत ही रेगुलरली, आप अगर चैनल पर बने हुए हैं तो आपको पता होगा। अब हमको इनकी बॉडी के साथ साथ विक को भी कवर करते हुए यहाँ पर ये रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है इस तरीके से। देखिए, बहुत सही तरीके से यहाँ पर ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है एंड बहुत ही केयरफुली करना है, थोड़ा सा भी आपको गलती नहीं करनी है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट विक के साथ, ऊपर वाली विक के साथ इसको कवर करना है, ये वाली जो कैंडल है उसके साथ। ओके, अब मेन चीज़ ये है, ऊपर की साइड लगा हुआ है रेजिस्टेंस लेवल, तो वहाँ से तो मार्केट नीचे की साइड मूवमेंट उसका होना ही है। अगर ये जो रेक्टेंगल की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर इस कैंडल की कहीं क्लोजिंग हो जाती है तो हम यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि जो रेक्टेंगल के बीच में है वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। मैंने यहाँ डाउनवर्ड के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल जो बनी है रेड, उसकी क्लोजिंग उस रेक्टेंगल के अंदर हुई है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़े और नीचे आएगी एंड जो नीचे वाला लेवल है वहाँ से मार्केट है वो ऊपर की साइड जाएगी। अब ये रेक्टेंगल पता है किस तरीके से काम करते हैं, जैसे हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स लगाते हैं उस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। बीच बीच में ये कंसोलिडेशन करेगी मार्केट रेक्टेंगल के बीच में, और अगर इसके नीचे वाले लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो वहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मूवमेंट दिखाई देगा। अगर ऊपर वाले लेवल को मार्केट वहां पर ब्रेक करती है तो वहां पर एक अप ट्रेंड हमको शो दिखाई देगा। ओके, होप कि आप समझ पा रहे होंगे ये मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप ध्यान से वीडियो वॉच करना एंड इसको प्रैक्टिकली अपने चार्ट पर यूज़ करके ज़रूर देखना कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें सही से क्लियर नहीं हो पाएंगी। फाइनली ये ट्रेड देखिए, हमारी यहाँ $100 की विन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि
रेक्टेंगल को मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर रही है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रही है तो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई देगा, एंड यहाँ पर जो नीचे की साइड जो लेवल है सपोर्ट लेवल, वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी अगर ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो। बाकी 1 मिनट के कैंडल पर काफी कुछ मार्केट डिपेंड करती है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, कि मार्केट उसको लेवल को ब्रेक कर रही है, वो सारी चीजें। और भी अपॉर्चुनिटीज हम देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में, बस आप ध्यान से समझना कि स्पेशली ओटीसी मार्केट के लिए ही ज्यादा सही तरीके से एप्लीकेबल है, तो आप ओटीसी में ही आप यूज करिएगा इसको। सो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जो हम स्ट्रैटेजी हमने यूज करने वाले हैं, जो हमने बनाई है, वो यहाँ पर यूज शायद से नहीं हो पाएगी क्योंकि मार्केट काफी ऊपर चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम समझने की तो कोशिश कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया है, एंड जहां से मार्केट ऊपर की साइड गई है वहां पर मैंने एक सपोर्ट लेवल लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, एक बीच में हमें रेड कैंडल नजर आ रही है जिसके साइड साइड में ग्रीन कैंडल है। ऐसा आपको और भी जगह पर मिल सकता है, लेकिन कोई सी भी आप कैंडल देख सकते हैं, पर्टिकुलर आपको एक कैंडल पर ज्यादा फोकस करना है, तब आपको स्ट्रेटजी सही से काम कर पाएगी। अब हमको सही से रेक्टेंगल का यहाँ पर एडजस्ट करना होगा इसको, इसके ऊपर जो विक बनी है जितना इसका हाई प्राइस गया है वहां तक, एंड नीचे वाले लो प्राइस तक इसको कवर करते हुए हमें पूरे रेक्टेंगल को आगे तक लेके जाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस रेक्टेंगल से मार्केट है वो ऊपर की साइड चल रही है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि मार्केट इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए तो हम यहाँ पर सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। अगर इसकी क्लोजिंग कैंडल की मार्केट को रेक्टेंगल के ऊपर ही हो जाती है तो हम वहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्ट्रेटजी में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना कि आपको कहाँ पर क्या डाउट रह गया है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर ये चीज आपको पहले देखनी है, वो सारी चीजें आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इस 1 मिनट की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग होने तक का, उसके बाद ही हम सही जगह पर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे ज्यादातर कि इस रेक्टेंगल के बीच में कंसोलिडेशन टाइप चल रहा है, इसी वजह से मैंने आपको कई बार बताया कि बीच रेक्टेंगल में कंसोलिडेशन होता है। देखिए मैंने यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है, थोड़ा सा हमारी सही जगह पर ट्रेड प्लेस नहीं हुई है। वैसे एग्जैक्ट अगर उसके जो ऊपर वाला लेवल है रेक्टेंगल का वहां पर प्लेस होती तो सही जगह पर हमारी एंट्री हो पाती। चलिए हमें अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा और हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, चाहे वो ओटीसी मार्केट के लिए हो, कोई भी कैसी भी स्ट्रेटजी हो, कोई बग हो, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना नहीं भूलना है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं किसी भी अलोन कैंडल के लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाकर बता रही हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, क्योंकि एक बार को स्ट्रेटजी अगर काम नहीं करेगी तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स हैं कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। देखिए ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पर लॉस हो चुकी है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना कि यहाँ पर हमारी ट्रेड थोड़ी सी गलत जगह पर लगी थी। छोटे गलती से हमारी ट्रेड वाली ट्रेड लॉस हुई है, तो हम बहुत ही सही जगह पर अब एंट्री लेंगे, अपनी इस ट्रेड जो लॉस हुई है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा चार्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हमको यहाँ पर चीजें फाइंड करनी होगी। यहाँ पर देखिए मार्केट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर लेवल्स वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर
लेवल लगाएंगे। यहाँ से देखिए मार्केट है वो नीचे की साइड आई है, एंड यहाँ से नीचे की साइड आई है। प्रीवियसली यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर मार्केट काम करी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, जो कि मैंने कोर्स के पार्ट टू में भी आपको समझाया था, आपने अगर सही से देखा हो उसको। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको एक एलॉन कैंडल फाइंड करनी है, जो कि मैंने बताया आपको। तो ये रही हमारी एलॉन कैंडल, एंड यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल लेंगे। अब उसके बाद हम इस रेक्टेंगल को इसको सही से कवर कर देंगे, जितना इसका हाई प्राइस गया है वहाँ तक, एंड नीचे की जो विक बनी हुई है लो प्राइस तक की, वहाँ पर इसको कवर करते हुए इनको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंसफुली हम इस चीज़ को करेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है, थोड़ी सी अगर आप मिस्टेक कर देते हो यहाँ पर तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब रह सकती है। अगर आप बहुत ही सही तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके लिए। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे की साइड एक्सटेंड कर देंगे। बस आप बहुत ही कामफुली एंड पेशेंसफुली इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। कभी भी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हर कैंडल पर मिलती है, बस आपको सही से लगानी आनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फाइनली देखिए हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब इस रेक्टेंगल से मार्केट है वो ऊपर की साइड चल रही है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे कि रेक्टेंगल के आसपास में आए, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर तो कंसोलिडेशन टाइप होता है। एंड यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो मैंने लगा दिया है, जो कि इसका हाई प्राइस गया है इस वीक का वहाँ पर। ओके एंड थोड़ा सा गैप अगर ये फुलफिल हो जाए तो यहाँ पर एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। ओके देखिए यहाँ पर ये गैप फुलफिल हो चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल बहुत सही तरीके से काम करेगा। एंड मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर दी है। ये जो हमने ट्रेड प्लेस की है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से की है, इसमें हमने रेक्टेंगल का कुछ यूज़ नहीं किया है। होप कि आप रेक्टेंगल के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि हमें कहाँ पर किस तरीके से इसको प्लेस करना है, एंड कौन सी कैंडल के साथ इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद हमको कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, ये आप समझ गए होंगे रेक्टेंगल के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि अगर रेक्टेंगल वहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो हम ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हमको बहुत अच्छी जगह पर ट्रेड प्लेस करने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम वहाँ पर उसको मिस नहीं करेंगे। अब बिल्कुल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे आ रही है, एंड वहाँ पर गैप भी नहीं है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी ये वाली ट्रेड यहाँ पर विन हो रही है। तो इस तरीके से आप भी इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। फाइनली ये ट्रेड देखिए हमारी यहाँ पर विन हो चुकी है। बहुत ही पेशेंसफुली कामफुली करना है, कोई भी जल्दबाजी में आपको कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटी हर कैंडल पर मिलती है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिस हो जाएगी तो हम कहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट चार्ट में हमको क्या क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमको लगातार मिलती रहती हैं, और बस आपको खुद से अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनानी है। जो भी आप सीख रहे हैं, देखिए आप स्ट्रेटजी खुद से बनाओगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आपकी रहेगी। एक एलॉन कैंडल यहाँ पर ये नज़र आ रही है मुझे, जो कि बीच में ग्रीन कैंडल है, एंड साइड साइड में इसके रेड कैंडल बनी हुई है। तो हम यहाँ पर इसको रेक्टेंगल लेकर इसको थोड़ा कवर कर सकते हैं, बाकी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जितना इसका हाई प्राइस गया है विक का वहाँ पर, ऊपर का जो लेवल है रेक्टेंगल का, उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड जितना इसका नीचे की साइड की विक होगी, जितना इसका लो प्राइस गया होगा, वहाँ पर हम नीचे वाले लेवल को एडजस्ट करेंगे। आप समझ गए हो ना, इतनी बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना।
थोड़ा सा ये मुश्किल काम हो सकता है आपके लिए कि किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सही से बहुत ही कामफुली करेंगे तो आप यहाँ पर बहुत सही तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजीज के लिए तो छोटा छोटा ध्यान रखना ज़रूरी है ही, ताकि आपको कहीं पर भी 0.1% की भी गलती ना हो। 0.1% से भी एक्यूरेसी हमारी ख़राब हो सकती है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर काम करना है। सो यहाँ पर देखिए बहुत सही तरीके से एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा इस कैंडल की क्लोजिंग होने तक का। एंड अगर इसकी ऊपर की साइड मार्केट मूव कर जाती है तो यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड दिखाई देगा। अगर इसके बीच में ही मार्केट मूव करती है तो सिनेरियो हमें अलग दिखाई देंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर एक एज अ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, थोड़ा सा देखने के लिए कि यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट कैसा है। सो यही था गाइज आज की इस वीडियो में, इस OTC मार्केट के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी जो कि रेक्टेंगल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं एक एलोन कैंडल को फाइंड करने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।